जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस क्रॉप लिमिटेड IRFC के बारे में। तो देखा जाए, मैं स्टॉक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आज के दिन फिर गिरावट देखने को मिली है। और क्या ये स्टॉक अब नहीं उठेगा? क्योंकि भाई देखो, मेरे को खूब सारे कमेंट्स आ चुके हैं फाइनली, और खूब सारे लोगों ने कह रखा है। एक ने तो मेरे को कहा था, भैया मेरे को अलॉटमेंट हुआ था IPO कर, मैं इतना खुश हुआ था कि एक ऐसा शेयर मिला है मुझे जो मोनोपोली के अंदर है और उसका IPO अलॉटमेंट। तो मैं उसने सोचा था कि वो आते ही धूम मचा देगा और लगभग 100% रिटर्न तो दे ही जाएगा एक मई 6-7 महीनों में, क्योंकि बाकी अगर देखा रूट मोबाइल और ऐसे स्टॉक भी दे चुके थे। तो उसने उस सोच के लिया था स्टॉक और देखा था कि भाई बढ़िया स्टॉक है, लेकिन वो भूल गया गवर्नमेंट स्टॉक है। और साथ ही में इतना जो मोनोपोली होने के बाद भी वो कह रहा है भैया गिरावट में ही जाया जा रहा हूँ मैं, मैंने बेचा नहीं स्टार्टिंग में, मैंने सोचा और ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो रुक ही नहीं रहा, गिरावट में गया हुआ है और अभी भी जाता जा रहा है और कुछ वापस चांसेस भी नहीं लग रहे। तो मैं उसने ए और ऐसे खूब सारे कमेंट आ रखे हैं, तो उसी का जवाब दूंगा आज इस वीडियो के अंदर। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और आपको हर इंफॉर्मेशन आपको फ़ोन पे मिल जाए। और अगर हम चले स्टॉक के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा 23 रुपये पे फिक्स ट्रेड कर रहा है और आया था जब 24-25 रुपये पे आया था और बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगी थी। बात करूँ अभी 5 दिन की, तो उस टाइम थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उतना भी नहीं। महीने भर की बात करूँ गिरावट में, 6 महीने की बात करूँ 10% गिरावट में, और 1 साल की बात करूँ उसके अंदर 7%, वो देखिए भैया 7% गिरावट में। आप देख सकते हैं स्टॉक आया जब 24 रुपये 80 पैसे पे आया था और अभी 23 पे चल रहा है, और कभी तो ये 22 से भी नीचे चला गया था 21 पे, तो वो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन अगर देखा जाए उतना ही स्टॉक कमबैक कर लेगा। और देखा जाए इसके फाइनेंशियल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देख के उसने लिया था, फिर भी गिरावट में रहा है। तो इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी इसका एक बोल वाला आ सकता है, तो आपको बस वेट करना है। तो ओवरऑल आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।